हाय स्टूडेंट्स, तो आज की जो वीडियो टॉपिक है वो है कैसे एक रेज्यूमे बनाना है परफेक्ट। तो मैंने पहले एक वीडियो डाली थी जिसपे मैंने कैनवा वेबसाइट के बारे में बताया था। इस वीडियो में भी बताऊंगा कि कैसे रेज्यूमे बनाना है, बट उसमें मैंने ये नहीं डिस्कस किया था कि रेज्यूमे में एक्चुअली होना क्या चाहिए, कौन सा कंटेंट इम्पॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, क्या लोग देखते हैं क्या नहीं देखते। इसके लिए मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए जो आप सबको फॉलो करने हैं। हम रेज्यूमे डेली देखते हैं और हायरिंग भी इतनी होती है, एंड मैंने भी बहुत कंपनीज में अप्लाई किया था कॉलेज के टाइम पे, एंड अब तो मैं रोज़ रेज्यूमे देखता ही हूँ। सो आई हैव अ फेयर आइडिया कि क्या सही है क्या गलत है एंड कौन सी चीज़ें मैटर करती है रेज्यूमे में। ठीक है, तो रेज्यूमे में बेसिकली सबसे ज़्यादा मैटर करता है वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके रेज्यूमे में वर्क एक्सपीरियंस नहीं है या कोई स्किल के बारे में नहीं लिखा, फोकस ऑन वर्क एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स एंड स्किल्स, अगर आपने इसके बारे में कुछ नहीं लिखा तो आप कुछ भी लिख लो अपने रेज्यूमे में। हॉबीज़ लिख लो कि मुझे लीडरशिप आती है, ये आता है, वो आता है, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, बिकॉज द मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और ये कोई बताता भी नहीं है कि दिस इज़ द रियलिटी जो यूट्यूब की वीडियोज़ में आपको कहीं नहीं मिलेगी, कि वर्क एक्सपीरियंस अचीवमेंट एंड स्किल्स आर दी ओनली थिंग दैट मैटर। बाकी आप उसको जितना मर्जी सजा लो, कैनवा में हमारे पास इतने अच्छे अच्छे रेज्यूमे हैं। आपको जैसे ये वाला एक रेज्यूमे बहुत अच्छा लगेगा, लोग देखते हैं कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा बहुत बढ़िया लग रहा है, इसमें हमारी फ़ोटो आ जाएगी आपको, पर कोई फ़ोटो से नहीं करने वाला हायर, राइट? स्किल्स में यहाँ पे एक बढ़िया सा एक मीटर सा आ गया है, बट इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस जब तक आपके रेज्यूमे में जो एचआर का बंदा देख रहा है, ही इज़ जस्ट केयरिंग अबाउट योर वर्क एक्सपीरियंस, योर अचीवमेंट्स एंड योर स्किल्स। इसमें रैंक 1 पे है वर्क एक्सपीरियंस, रैंक 2 पे है स्किल्स, और रैंक 3 पे है अचीवमेंट्स। अब आप फ्रेशर हो तो वर्क एक्सपीरियंस का तो रैंक 1 वाली बात ही ख़त्म होगी, तो स्किल्स बचती है, और आपके पास कोई अचीवमेंट्स है तो वो लिस्ट करनी है, राइट? तो एक एक करके हम बात करते हैं रेज्यूमे की, फिर कुछ सैम्पल्स दिखाऊंगा, फिर कैनवा कैसे यूज़ करना है वो भी दिखाऊंगा। पहली चीज़, रेज्यूमे शुड ऑलवेज बी इन PDF। लोग वर्ड फाइल में भेजते रहते हैं मुझे रेज्यूमे, कोई नहीं खोलेगा आपका वर्ड फाइल में, आपको PDF में उस वर्ड फाइल को कन्वर्ट करना है और PDF में ही भेजना है। दूसरा, 1 पेज होना चाहिए। जैसे ये रेज्यूमे है, इसमें कोई असिस्टेंट डायरेक्टर है, इसमें प्रोफाइल लिखी है, एम्प्लॉयमेंट लिखी है, एजुकेशन लिखी है, स्किल्स, कोर्सेज, अचीवमेंट्स, हॉबीज, लैंग्वेजेस, तो इसमें वर्क एक्सपीरियंस काफ़ी है। 2 जॉब्स हैं, एजुकेशन में भी 2 कॉलेजेस हैं, पहले बैचलर्स है फिर मास्टर्स हैं, फिर स्किल्स के बारे में लिखा हुआ है, कोर्सेज के बारे में लिखा हुआ है, अचीवमेंट्स के बारे में भी लिखा हुआ है, तब जाके 2 पेज भरे हैं। अदरवाइज अगर आपके रेज्यूमे में सिर्फ, जैसे कि ये मैं आपको एक लिख के दे देता हूँ, ये हमारा जो स्टूडेंट्स का रेज्यूमे, जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आता ना, लोगों को पसंद आता है 2 पेज का, प्रिंट भी 2 पेज करके ले आते हैं। यहाँ पे होता है उसका नाम फर्स्ट सेक्शन में, यहाँ नेम। मेरी राइटिंग बहुत बेकार है इसलिए खैर उसको जज मत करिए। नेम, यहाँ एड्रेस, फ़ोन नंबर, यहाँ पे आ जाता है उसका एजुकेशन। एजुकेशन में वो आधा पेज पूरा खा जाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक एजुकेशन, उसमें पूरे बोर्ड के मार्क्स स्पेस छोड़ छोड़ के लिख दिया। फिर वो और नीचे जाते हैं, यहाँ इनका वर्क एक्सपीरियंस आता है। वर्क एक्सपीरियंस में कुछ नहीं, एक कंपनी में काम किया होता है और उसके बारे में कुछ नहीं लिखेंगे। जैसे मैंने कंपनी का नाम लिख दिया, RVM गाइड। अब RVM बैड पे कोई डिज़ाइनर है तो वो बस लिख देता है कैड डिज़ाइनर 2018 से 21। अरे भाई क्या कराते थे, कितने बच्चों को कराते थे, कितनी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, कोई बुक लिखी है उसके बारे में लिखिए, कैसे आपका अचीवमेंट हुआ, कैसे आपका, बहुत चीज़ें हैं बात करने की आपकी नौकरी में। लोग तो बड़ा चढ़ा के लिखते हैं, यहाँ पे सिर्फ डिज़ाइनर लिख के छोड़ देते हो आप, तो वर्क एक्सपीरियंस में लिखो ढंग से, वो छोड़ देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जो किसी काम का नहीं है, वहाँ हॉबीज़ आ गई आपकी, जो कोई पढ़ेगा ही नहीं, किसी काम की नहीं है, 0। उसके बाद आपकी फिर से कोई एडवर्टाइजमेंट
एड्रेस डिटेल्स आ गई, वो ऊपर ही लिख दो ना, वो भी ज़ीरो, राइट। उसके बाद फास्ट लर्नर वगैरह ये सब लिख दिया, मिशन ऊपर कहीं लिख देते हैं, वो भी ज़ीरो। ये कोई इसका सेंस ही नहीं है। वन पेज इज मोर देन इनफ टू गिव एवरी इंफॉर्मेशन। फोकस ऑन वर्क एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स एंड स्किल्स, हॉबीज वगैरह लिखने का कोई सेंस नहीं है। डजेंट मेक एनी डिफरेंस टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक आपकी हॉबी कुछ ज़्यादा यूनिक नहीं है और उसमें कुछ आपने नेशनल अवार्ड ना मिला हो, अदरवाइज मत लिखो। कंसाइज एंड टू द पॉइंट होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस अगर बहुत अच्छा खासा है तो कंसाइज एंड टू द पॉइंट आप लिखेंगे क्या क्या करते थे, और मैक्सिमम वन और टू कलर जाएंगे आपके रेज्यूमे में, ये नहीं कि पाँच छः रेनबो बना दिया उसका पूरा। तो ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक रेज्यूमे है, बहुत प्लेन है बट इफेक्टिव है, ठीक है, ये भी चलेगा। इसमें आप दो चार कलर वलर डाल दो, बट ये आ गया नेम, ठीक है, ये आ गया आपका एड्रेस, डन। और ये आपको जो मैं बता रहा हूँ ना, ये ना कॉलेज में आपसे बताया जाएगा, ना आपको कहीं किसी इंस्टीट्यूट में बताते हैं, ना यूट्यूब पे, तो ये आराम से पूरी वीडियो देख लो, आपके आगे बहुत काम आएगी। इसमें पहले एजुकेशन आ रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले डाल दो एजुकेशन, ठीक है। सो डाला बैचलर ऑफ साइंस, जीपीए डाल दी, अवार्ड जो मिले थे। अब ये नहीं कि अवार्ड नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन, एक में ही सब कुछ लिख दिया कि यार सिविल इंजीनियरिंग में मेजर था, माइनर इसने करा ग्लोबल सिस्टम्स में, ये सीजीपीए थी, ये अवार्ड था, दैट्स इट, डन, ये स्कॉलरशिप रेसिपिएंट। कब ख़त्म हुआ था? 2018 में। ये दूसरा हाई स्कूल का है, उसमें क्या क्या कोर्सेज करे थे, क्या अवार्ड था, ये आपका डेट आ गई, ख़त्म। इतने सेम है, एजुकेशन ख़त्म, बट सारी कंसाइज और टू द पॉइंट जो मैंने पॉइंट लिखा था ना, वो सारा इसमें आ गया है। देन एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है, स्कूल में कुछ कर रहे हो, कॉलेज में कर रहे हो तो बता दिया। अब उसमें क्या था कि मैंने एक टेक्निकल एनालिस्ट की तरह एक्ट किया कंसल्टिंग फर्म पे, स्पेशलाइज इन टेक्निकल प्रॉब्लम्स दैट इम्पैक्ट द सोसाइटी एंड प्रोवाइड फीडबैक। इतना कोई पढ़ेगा बेसिक बेसिक आपके वर्ड, क्रिएटेड अ डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट, मतलब इसको ग्राफ एंड रिपोर्ट भी टेबल मेकिंग आती है, कब किया था ये आ गया। फिर सिविल इंजीनियरिंग का दूसरा वाटर प्रोजेक्ट किया था, क्या प्रोजेक्ट था, लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, कोलैबोरेट विद अ टीम ऑफ फोर, बस इतना ही कोई एचआर पढ़ेगा। दिन के 200-300 रेज्यूमे पढ़ने होते हैं, लंबी लंबी कहानियां नहीं लिखनी उसमें आपको। देन लीडरशिप एंड एक्सपीरियंस में आपका क्या करा था, सोसाइटी ऑफ हिस्पैनिक प्रोफेशनल इंजीनियर्स में काम किया था, कब किया था, अब 2014 से प्रेजेंट। उसके बाद ये वाली कंपनी आ गई ब्लूमबर्ग एलपी, फिर कॉन्टिनेंटल शिपिंग कॉरपोरेशन। तो कंसाइज हमने सारी चीज़ें लिख दी। नीचे लास्ट में आ गया स्किल्स, क्या क्या आता है, एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, दैट्स इट, लैंग्वेजेस कौन सी, एक पेज में सब निपटा दिया। हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है। एक और सैम्पल रिज्यूमे देख लो, वो उसी का ही है, सेम नेम हमने लिख रखा है सैम्पल। एजुकेशन आ गई, एक्सपीरियंस आ गया, एक्सपीरियंस में इंटर्नशिप भी है, तो किस चीज़ में हुई थी, क्या क्या प्रोजेक्ट क्लाइंट थे, कौन कौन सी कंपनीज के लिए काम किया था। बेसिक कंसाइज इंग्लिश होनी चाहिए। अब आपको इंग्लिश नहीं आती तो किसी को आता है उससे करवाइए, उससे रिव्यू करवाइए अपना रिज्यूमे, वो टू द पॉइंट होना चाहिए। कोर्स वर्क में क्या क्या किया, स्किल्स क्या क्या आती है। अब यहाँ जो लड़का है जिसको सिर्फ ऑटोकैड आती है, पूरे रिज्यूमे में ऑटोकैड लिख देता है, नहीं यार ऑटोकैड डाल दिया पर प्रोजेक्ट के बारे में बात करो, ऑटोकैड पे क्या किया था आपने, ओ सारे देख लो। इसमें जो बेस्ट रिज्यूमेज हैं, इट इज़ ओनली वन पेज, ये भी वन पेज है, ये भी वन पेज है। इसमें एजुकेशन आ गया, प्रोजेक्ट आ गया, वर्क एक्सपीरियंस आ गया, लीडरशिप आ गया, स्किल्स आ गया, एक्टिविटी, सब कुछ छोटे छोटे कंसाइज उसमें हमने लिख दिया। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो जो मैंने लिखा था इसमें। अब कैसे बनाना है रेज्यूमे, वर्ड के तो जमाने गए, क्योंकि हमारे पास इतने अच्छे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। आप canva.com लिखेंगे, आप यहाँ रिसर्च में जाके रेज्यूमे एंटर, उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं। टेम्पलेट्स के अंदर क्या, सब कुछ बना बनाया है। अब मेरे को जैसे कौन सा टेम्पलेट अच्छा लग रहा है, अब ये ऐसा टेम्पलेट नहीं लेना अपने को, ये क्या मजाक है। अब ऐसा रेज्यूमे मैं देखूंगा तो मैं कहूंगा यार ये तो फूल पत्तियां रेज्यूमे में दे रखी है, बट ठीक है, उनका काम टेम्पलेट डालना है, उन्होंने डाल दिया। अब मैं एक चूज़ करता हूँ सिंपल टेम्पलेट, सिंपल से सिंपल, ये वाला हो गया अपना टेम्पलेट। ये इतना आसान है इसमें रेज्यूमे बनाना, जिसका कोई हिसाब ही नहीं है।
यहाँ पे आपको सिंपल क्लिक करना है और लिख दो नाम अपना। अब आपने नाम लिख दिया, क्या लिखा है यहाँ पे, मेरी क्या पोजीशन है, हेड ऑफ ऑपरेशंस एट आरबीएम कैड। कितना सिंपल है यार, ये तो हैंड होल्डिंग करवा के मैं आपको बता रहा हूँ। वर्क एक्सपीरियंस में मैंने यहाँ आरबीएम कैड लिखना है कैप्स में। अब देखो दो कलर्स मैंने बोले थे, अपना ब्लैक चल रहा है और सॉरी ब्लैक चल रहा है, ब्लू चल रहा है, दैट्स इट। दूसरी कंपनी मैंने स्कोडा ऑटो में भी काम किया था, स्कोडा ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये कैप्स में सारा नहीं लिखना था, मैंने लिख दिया। क्या क्या काम किए थे, प्रोजेक्ट क्या क्या था, रेलेवेंट एजुकेशन क्या थी, मैंने मास्टर्स और दोनों चीज़ें कर रही है, तो मैं यहाँ पे 2014 से 2018 बीटेक मैकेनिकल, और उसके बाद कॉलेज का नाम लिख दिया, क्या क्या उसमें किया था, स्किल्स आ गए, वन पेज में ओवर हो गया। उससे ज़्यादा अपने को दिमाग नहीं लगाना, बेसिक कंसाइज होना चाहिए, बट सबसे पहले नज़र जाएगी, ये कोई नहीं पढ़ेगा, कैरियर समरी कोई भी नहीं पढ़ेगा ना, नीचे ये स्किल्स भी, जब तक बहुत अच्छी स्किल्स ना हो, हॉबीज़ और ये करियर समरी और अबाउट व्हाट कोई नहीं पढ़ता, आंखें जाती है सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस पे और आपके प्रोजेक्ट्स पे और एजुकेशन पे, दैट्स इट। तो ये छोटी सी वीडियो है, बट इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी है। कैनवा पे जैसे ये एक टेम्पलेट है, ये ऐसे नहीं देने आपको रेज्यूमे, बहुत ज़्यादा फ्लैशी हैं इसमें। स्किल का जो ये मीटर आजकल दे रहे हैं ना, ये भी मेरे को कोई समझ नहीं आता यार, 80% अपने आप को कैसे आप रेट कर सकते हो, क्या पता आपको क्या परसेंटेज है। ये देखो ये सब नहीं बनाने हैं आपको, ये बहुत ज़्यादा रंग बिरंगे रेज्यूमे हैं। आपको सिंपल रेज्यूमे बनाना है, इफ़ेक्टिव रेज्यूमे बनाना है, फ़ोटो ज़्यादा बड़ी नहीं लगानी, लगानी ही नहीं है फ़ोटो, नहीं लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है। ये रेज्यूमे वन पेज का बिल्कुल परफेक्ट है, जिसके अंदर हमारा मेन जो मैंने कहा था वर्क एक्सपीरियंस और एजुकेशन आपका आना चाहिए। साइड में आप अवार्ड वगैरह लिख दो, ये भी एक अच्छा फॉर्मेट है, न्यू एज फॉर्मेट है, जिसके अंदर नज़र जा रही है वर्क एक्सपीरियंस पे, किस चीज़ में उसकी एजुकेशन है, रेफरेंसेस जो आपने डाल दिए, अवार्ड्स डाल दिए और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिख दी, और बेसिक आपका बड़ा बड़ा यहाँ फ़ोन नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होनी चाहिए, दैट्स इट। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है 20 ईयर ओल्ड वेब डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर। तो ये सब चीज़ें आपको बेसिक कंसाइज जहाँ पे नज़र जाती है वो चीज़ें आपको अपने रेज्यूमे में दिखानी है, और कैनवा पे बनाना बहुत ईजी है। जो भी आप फिर यहाँ शेयर में जाओ, यहाँ डाउनलोड में जाओ, इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर है कि यहाँ पीडीएफ प्रिंट, पीडीएफ स्टैंडर्ड, मैंने कहा पीडीएफ प्रिंट क्वालिटी, हाईएस्ट क्वालिटी में क्लिक करूँगा, पीडीएफ ऑटोमेटिकली बन के आ जाएगी मेरे पास, एंड रेज्यूमे खोल के व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दो या लिंकडिन वगैरह जो भी है। इसके बाद हम वीडियोस बनाएंगे, लिंकडिन पे कैसे बनानी है प्रोफाइल, ईमेल कैसे भेजनी है, सब कुछ हम कवर करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना आए। ओके, थैंक यू सो मच।